हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पी.एस. तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हूपिंग कफ के बारे में। हूपिंग कफ क्या होता है, कैसे होता है, इसका सिम्टम्स क्या है और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि हूपिंग कफ क्या होता है। हूपिंग कफ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हूपिंग और कफ। हूपिंग का मतलब है काली और कफ का मतलब है खांसी, यानी काली खांसी। दोस्तों, काली खांसी को ही हूपिंग कफ बोलते हैं। इसका एक और अंग्रेजी में नाम है जिसका नाम है पर्टुसिस। दोस्तों, आम भाषा में अगर बोला जाए तो हूपिंग कफ को कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, क्योंकि हूपिंग कफ में जब पेशेंट खांसता है तो आवाज़ निकलता है जिसे कुत्ता भौंक रहा है। हूपिंग कफ को ही इंग्लिश में पर्टुसिस भी कहते हैं। अगर मेडिकल भाषा में बात की जाए तो हूपिंग कफ एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दोस्तों, जो आपके लंग्स को अफेक्टेड करता है, डैमेज करता है। हूपिंग कफ कॉन्टेजियस होता है। कॉन्टेजियस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। कॉन्टेजियस का मतलब है कि ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में बड़े आसानी से फैल जाती है। अगर किसी को हूपिंग कफ हो गया है और आप उसके साथ खाना खा लेते हैं या उसका जूठा पानी पी लेते हैं तो आप भी हूपिंग कफ के चपेट में आ सकते हैं। दोस्तों, अगर प्रिकॉशन की बात करें तो आपको हूपिंग कफ के पेशेंट से दूर रहना चाहिए। पेशेंट को आइसोलेट कर देना चाहिए, यानी कि पेशेंट को अलग रूम में शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर आप पेशेंट से हाथ भी मिलाते हैं तो आपको अपना हाथ ठीक तरह से साबुन से धो देना चाहिए। अगर पेशेंट खांसता है या छींकता है तो उसके अगल बगल के लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आपको ऐसे केस में प्रिकॉशन लेने की खास ज़रूरत है। दोस्तों, हूपिंग कफ किसी को भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में हूपिंग कफ का चांस ज़्यादा रहता है। हूपिंग कफ बच्चों को बहुत परेशान करता है। बच्चे रात भर ठीक से सो नहीं पाते, रात भर खांसते रहते हैं, क्योंकि हूपिंग कफ का अटैक रात में ही ज़्यादा आता है। अगर किसी बच्चे को हूपिंग कफ हो गया हो तो उनके पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं होने दें, वो इन्फेक्शन को फैलने नहीं दें। जैसे बच्चे को स्कूल ना भेजें, खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का यूज करें और टिश्यू पेपर को तुरंत फेंक दें और अपना और अपने बच्चे का हाथ दिन में कई बार साफ करें। और सबसे ज़रूरी बात, हूपिंग कफ का अच्छे से इलाज करें और इसको इग्नोर कभी नहीं करें, क्योंकि अगर इसका इलाज नहीं करेंगे तो आपके बच्चे को निमोनिया हो सकता है और भी कई तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं और कभी कभी ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। अगर इसके सिम्टम की बात करें तो इसका इनिशियल सिम्टम कॉमन कफन कोल्ड के समान ही होता है, जैसे खांसी आना, छींक आना, नाक बहना और हल्का फीवर होना। अगर आपको कॉमन कोल्ड है उसे 4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हूपिंग कफ का इन्फेक्शन है तो ये जल्दी नहीं ठीक होगा और इसका सिम्टम दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये सब सिम्टम दिख रहा है तो आप जो है अलर्ट हो जाइए और इसका इलाज कीजिए। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर सिम्टम मिल गया तो आपका जो है हूपिंग कफ, आपके बच्चे का हूपिंग कफ जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जो दवा डायलूशन में बताता हूँ उसको आप ऐसे मुंह में डाल लीजिए और जो दवाई मदर टिंचर में बताता हूँ उसको जो है थोड़े पानी के साथ में डाल कर लीजिए और जो दवाई गोली में बताता हूँ उसको ऐसे बच्चों को गोली में ऐसे मुंह में डाल दीजिए। दोस्तों, अब मैं कुछ बेसिक दवाई बता रहा हूँ कि आपको सब दवाई नहीं खाना है, आपको बस वही दवाई खाना है जिसका सिम्टम आपके सिम्टम से मैच करे। दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी दवाई
और सबसे बढ़िया दवाई है एंटीमटाट। एंटीमटाट में क्या होता है कि बच्चा खांसता तो ठीक है, खांसता है, लेकिन उसके चेस्ट में बलगम भरा रहता है, म्यूकस जो है घड़घड़ाहट होती है, म्यूकस एरेस्टिंग करता है। तो ऐसे बच्चों को आप जो है एंटीमटाट 30 में 40 समय गोली में तीन तीन गोली करके दो दो घंटा में दीजिए, एक हफ्ता 10 दिन दीजिए। अगर सिम्टम ये रहेगा चेस्ट में बलगम घड़घड़ाता रहे, रेटनिंग करता रहे, तो एंटीमटाट से आपका बच्चा एकदम से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला दवाई है क्यूप्रामेट। क्यूप्रामेट 30 इसको भी आपको गोली में देना है। अगर जो है कब जो है इतना तेज आती है कि बच्चा जो है बच्चे की सांस फूलने लगती है, तो ऐसे सिम्टम में आप बच्चे को क्यूप्रामेट 30 पावर में तीन तीन गोली दो दो घंटा पर देते रहिए जब तक कि आराम नहीं हो जाए। जब आराम हो जाए तो बंद कर दीजिए। दोस्तों इसकी अगली दवाई है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ 30 पावर में हमेशा आप रखे रहिए, 30 पावर गोली भी दीजिए। अगर सिम्टम यह मिलता है कि शाम से ही खांसी शुरू होती है और रात को 12 बजे तक रहती है, और ठंडी हवा अगर ज़्यादा लगे तो खांसी जो है बढ़ जाती है, इसका जो बच्चा बहुत ही इरिटेबल होता है और जो है जरा भी ठंड हवा से खांसी बढ़ जाती है, तो ऐसे बच्चों को आप हिपरसल्फ 30 पावर में 40 नंबर गोली में तीन तीन गोली करके दो दो घंटा में दीजिए, बच्चों को आराम हो जाएगा। दोस्तों इसकी अगली दवाई है ईपिका। ईपिका 30 इसमें क्या होता है जब तक वोमिटिंग नहीं हो जाती तब तक खांसी आती है, और खांसी ऐसी आती है कि कन्वर्सिव कफ, माने ऐसी खांसी आती है कि बच्चा कन्वर्सन में आ गया, स्टिफनेस हो गया बच्चा, और सांस जो है लेने में दिक्कत हो रही है, एक सांस लेता है तो खांसी आने लगती है, तो उसके बाद में जब वोमिटिंग होगी तब बच्चों को आराम मिलेगा। तो ऐसे बच्चों को आप जो है ईपिका 30 चार चार गोली तीन तीन गोली 40 समय गोली में दो दो तीन तीन घंटा पर, जैसा खांसी रहे आप इसको आधा घंटा पर दे सकते हैं जब तक बच्चे को आराम नहीं मिल जाए। इसके बाद में जब ठीक हो जाए तो ईपिका 30 तीन गोली सुबह शाम कुछ दिन दे दीजिए, बच्चे का होपिंग कप हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसकी अगली दवा और सबसे इम्पोर्टेंट दवा है पार्टुसिन। पार्टुसिन दवा ऐसी है कि अगर शुरू में ही इसी दवाई से ट्रीटमेंट चालू किया जाए, पार्टुसिन 30 तीन तीन गोली करके दो दो घंटा में दिया जाए, तो अगर अर्ली स्टेज में कफ एंड कोल्ड के रूप में हुपिंग कफ शुरू होता है तो पार्टुसिन दे दीजिए, आराम हो जाएगा। दोस्तों एक बात का और ख्याल रखिए, अगर घर में किसी को हुपिंग कफ हो गया है तो पार्टुसिन 30 पावर की सब बच्चों को एक एक डोज करके तीन चार दिन पिला दीजिए। जिस बच्चों को हुपिंग कफ नहीं हुआ है उनको नहीं होगा, और होगा भी तो इन्फेक्शन बहुत ही कम रहेगा। दोस्तों इसकी अगली दवाई है सल्फर। आप सल्फर भी दे सकते हैं, अगर जो है बच्चा बहुत गंदा रहे, स्नान करने की इच्छा नहीं हो, दिखने में एकदम गंदा लगता है और स्नान करने से उसको तकलीफ होती है, तो ऐसे बच्चे को आप जो सल्फर 30 तीन दिन गोली तीन तीन घंटा पर तीन चार दिन पाँच दिन एक हफ्ता 10 दिन खिला दिए, बच्चे का इस तरह का अगर हुपिंग कफ है तो ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसकी अगली दवाई है थाइमस मदर टिंचर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या दवाई दें, तो आप अपने बच्चे को थाइमस मदर टिंचर 5-5 बूंद करके दिन में 3 बार पानी के साथ में दे दीजिए, बच्चे का जो है हुपिंग कफ जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसकी अगली दवाई है मेफाइटिस। मेफाइटिस 1x इसमें खांसी इतनी तेज आती है कि बच्चे के मुंह से निकल जाता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा, तो ऐसा सिम्टम मिलता है तो बच्चे को मेफाइटिस 1x अगर ड्राप मिलती है तो दो दो बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए, अगर गोली मिलती है तो दो दो गोली 3 बार दीजिए। तो मेफाइटिस में ये सिम्टम है कि अगर बच्चा को खांसी खांसते खांसते परेशान हो जाए और उसके मुँह से अचानक निकल जाए कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो आप जो है मेफाइटिस 1x लगातार दे दीजिए, बच्चों को आराम मिल जाएगा। दोस्तों इसकी अगली दवाई है और बहुत ही कॉमन दवाई है। बच्चे को खांसी आ रही है, हुपिंग कफ आ रही है, अगर खांसी के साथ में आँख से पानी निकलने लगे, तो आप काकुलस 30 बच्चे को दिन में 3-4 बार 40 समय गोली में तीन तीन गोली देते रहिए, बच्चे का हुपिंग कफ जड़ से ठीक हो जाएगा। याद रखिए सिम्टम ये मिलना चाहिए कि आँख से पानी गिरता रहे। दोस्तों इसकी अंतिम दवा, हम ज़्यादा दवाई बताएंगे तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे क्या दवाई देनी है। ये हमारी अंतिम दवा है और इस अंतिम दवा का मेन सिम्टम है प्रत्येक मिनट में आप कितना ही दवाई दीजिए खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही है, प्रत्येक मिनट पर खांसी आ रही है, तो आप बच्चे को और सब दवाई के साथ में आप कोराडियम लिब्रम 30 पावर में 40 समय गोली में तीन तीन गोली करके इसको भी दे दीजिए, तो बच्चे को जो एक एक मिनट में खांसी आ रही है खांसी रुकने का नाम नहीं
दे रही है तो बच्चे को दीजिए, बच्चे को आस्ते आस्ते आराम हो जाएगा, जब आराम हो जाएगा तो फिर अपना दवाई फिर थोड़ा डोज कम कर दीजिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको होपिंग कप के बारे में बताया। अगर आप हमसे इलाज कराना चाहते हैं तो आप अपना पूरा प्रॉब्लम व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे ऐसे अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।